हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फजल हारून फ्रॉम फजल टेक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कोएनपीयू का जो नया अपडेट्स आया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये पोस्ट इन्होंने 26 जनवरी 2024 को किया हुआ था, मगर मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई। की वजह यही थी कि मैं सोच रहा था कि मैं देखता हूँ कि सिस्टम में ये लोग क्या चेंजेस करेंगे ना, तो हमें कन्फर्म हो जाए तो उसके हवाले से हम फिर बात करेंगे। तो कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं कि वो कमेंट भी कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेजेस भी कर रही हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, जो सतोशीज हमारे पास थी उसको इन्होंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ नई अपडेट्स इन्होंने दी थी जिसमें बताया था कि यूज़र को अब 60% एडवर्टाइजमेंट से मिलेगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 50%। ये बाकी इतना अहमियत वाला नहीं है ये पॉइंट्स, हमारा जो मेन कंसर्न है वो इस पे है। ठीक है, तो ये बता रहे थे कि हमने पॉइंट्स को रिप्लेस किया है सतोशीज में, सतोशीज के। ठीक है, तो अब इनका जो नया यूनिट है वो है पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो एक बिटकॉइन जो है वो हमारे पास 100 मिलियन सतोशीज के बराबर है। तो इन्होंने क्या किया है कि हमें अभी पॉइंट्स मिलेंगे और ये कह रहे हैं कि 1,000 पॉइंट जो है वो $1 के बराबर है। ठीक है, तो इन्होंने जब ये प्लान किया तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि अभी करंट रेट के मुताबिक कन्वर्जन रेट इन्होंने डाला हुआ है 1 बिटकॉइन 43,000 का। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम मतलब आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपके बैलेंस में कुछ लॉस नहीं होगा, जितने आपके सतोशीज हैं वो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने इधर भी एक पोस्ट किया हुआ है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि डियर मेंबर, वी हैव यूज पॉइंट टू रिप्लेस सतोशी एज अ न्यू रिवॉर्ड यूनिट। इनका रिवॉर्ड यूनिट अभी पॉइंट होगा। तो इसमें यह भी बता रहे हैं कि अभी हमारे पास जो रेट है वो बिटकॉइन का क्या है, 43,000 इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 1,000 पॉइंट जो है वो $1 के बराबर होंगे। तो अभी इन्होंने क्या किया कि एक सतोशी जो है वो 0.43 पॉइंट्स के बराबर है। तो अगर इनकेस किसी के पास 2,000 सतोशीज भी हो तो वो तकरीबन 800 समथिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बिटकॉइन का करंट प्राइस, ठीक है, तो अगर हम इसको करंट प्राइस को हम USD में देखें तो ये हमारे पास 43 से ऊपर ऊपर चल रहा है, मगर इन्होंने बस ये फिक्स किया हुआ है और इससे हमें जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 2,000 के बराबर सतोशीज हो, ठीक है, उसे याद हो, तो वो इस तरह कन्वर्जन करके उसको पता चलेगा कि मेरे पास 2,000 थे, अब मुझे 8,860 पॉइंट्स मिलेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि आई थिंक इन्होंने यहाँ पे कोई पोस्ट दिया हुआ था जिसमें बताया गया था कि 1,000 पॉइंट्स पे आपको विड्रा मिलेगा, कुछ ऐसा था, मुझे अभी याद नहीं है, मगर इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया था। तो ये जो अपडेट्स थी वो मैं देना चाह रहा था। अगर मैं इधर देखूँ तो मेरे पास अभी इधर इधर मेरे पास क्या मैसेज भी आया हुआ है, ठीक है, ये एक कन्फर्मेशन ईमेल, एक पॉपअप मिला हुआ है जिसमें बताया गया कि वही मैसेज यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इधर भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको कन्फर्म कर लूँ तो ये मेरे पास पॉइंट्स है। ठीक है, इधर भी इन्होंने ये मैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और इधर देखते हैं कि विड्रा का क्या सीन है, विड्रा हमारे पास जो है वो कितने पॉइंट्स पे विड्रा होगा। अगर मैं डॉज में करूं, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या हिसाब है, पहले हम 2,000 सतोशीज को विड्रा कर सकते थे, यहाँ पे मिनिमम 2,000 सतोशीज का विड्रा था। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 2,000 को हम कन्वर्ट करें 0.43 में, तो 8,860 हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं। तो मतलब ये है कि वही 2,000 सतोशीज जो थी वही विड्रा अभी भी हमारे पास यहाँ पे हो रही है। तो मैंने 1,000 का सुना था, मगर इन्होंने आई थिंक अभी 1,860 पॉइंट्स कर दिए हैं, हो सकता है इसको ये फिर बढ़ा दें। ठीक है, तो हमारा जो विड्रा है वो उसी की तरह है। और यहाँ पे जो है इन्होंने एक दूसरा अपडेट भी दिया हुआ है जिसमें इन्होंने आर्टिकल 8 जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके हवाले से भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा, वो नई वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है उसी तरह एड व्यू करना होगा जैसे
यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे सेकंड्स पूरे होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। असल में मैंने ऑलरेडी ये ऐड दूसरे अकाउंट में व्यू किया हुआ, इसी वजह से ये मेरे पास एरर आया हुआ है, ठीक है। तो ये फोकस ऐड है, ये सर्फ ऐड्स है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आर्टिकल को भी रिमूव कर दिया है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।